काला हिरण मामले में जोधपुर की सीजीआई अदालत ने सलमान को 5 साल का काला हिरण मामले में सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। सलमान को 1 अक्टूबर 1998 की रात 2 काले हिरणों के शिकार में दोषी पाया गया। आइए नजर डालते हैं उन सबूतों पर जिन्होंने सलमान को मुजरिम करार दे दिया। हिरण के शरीर में मिले छेद। हिरण के दूसरे पोस्टमार्टम में शरीर पर छेद मिले जो गोलियों के निशान थे। सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्य जीवन संरक्षण कानून की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। सलमान खान के खिलाफ गवाह हरीश दुलानी और अन्य 2 प्रत्यक्षदर्शियों ने कोर्ट में बताया जिस जगह पर मृत हिरण मिला था वहां से सलमान खान की जिप्सी थी और सलमान उस जिप्सी में भाग गए थे। उनके साथ में अन्य कलाकार भी उस जिप्सी में मौजूद थे। जिप्सी में मिले हिरण के बाल। फॉरेंसिक जांच में जिप्सी से हिरण के बाल भी बरामद हुए और कुछ खून के छींटे भी मिले, इसलिए ये मामला ज़्यादा बड़ा हो गया। काले हिरण का शिकार अन्य हिरण की हत्या से ज़्यादा गंभीर मामला है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह है। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ थे जबकि दिनेश थे सलमान के सहायक। इसी केस में सलमान को गुरुवार को दोषी ठहराया गया। इन सबूतों के आधार पर 1 तो प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही प्लस साथ में हिरण के शरीर में मिले छेद और जीव में मिले हिरण के बाल से सलमान खान को बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे, इसी कारण से सलमान खान को ये सज़ा सुनाई गई है। तो आपको क्या लगता है, ये सज़ा सलमान के लिए सही है या गलत? कमेंट में अपनी जवाब जरूर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।